बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। एक्चुअली एक जगह मैंने और भी एक वीडियो देखा था तो सोचा कि आपको इसके बारे में बहुत ही जान के एक्साइटमेंट होगा कि अब आप अपनी रेनॉल्ट की काइगर में बिना इंजन स्टार्ट किए अपना म्यूजिक सुन सकते हैं। यस, आप बिना इंजन स्टार्ट किए म्यूजिक चला सकते हैं और इवन ब्लोअर भी चला सकते हैं अपने एसी का। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे करेंगे। तो इसके पहले मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये मेरी की है। इस की को यहां देखिए, एक ये एक स्पेस है यहाँ पे नीचे, इसमें की बनी हुई है। ये इसमें देखिए ये की बनी हुई है स्पेस। अपनी चाबी को आपको इसमें इस तरह रखना है, इसी के जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी ऑन है, इसको बंद कर देता हूँ। गाड़ी देखिए अभी चार्ज चालू है, बंद कर देता हूँ। तो इसके हिसाब से आपका बंद हो जाना चाहिए, बंद हो भी जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। जैसे हमने चाबी यहां रख दी और ये स्टार्ट बटन, अभी इसको पार्किंग से न्यूट्रल में डाल देंगे। तो इस गाड़ी को मैंने देखिए ये न्यूट्रल में डाल दिया है और यहां पे भी देखिए न्यूट्रल में दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसका बटन स्टार्ट वाला लॉन्ग प्रेस करूंगा। देखिए आपके स्क्रीन में आ जाएगा ये लिखा हुआ रिमूव की गार्ड। बस आपका काम हो गया। ये ब्लोअर चल रहा है, इसको ब्लोअर को भी बंद कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। और ये मेरा दूसरा फोन एक कनेक्ट है इसमें, ठीक है, ताकि आपको गाने सुना सकूं इसमें। और टाइम देख लीजिए 7:38 हुआ है। इस वीडियो को मैं 5 मिनट तक चलाऊंगा, हम बातें करेंगे लेकिन लाइव प्रूफ करेंगे कि ये मोर देन 3 मिनट क्या 5 मिनट भी चल सकता है, ठीक है। इंजन, गाड़ी का इंजन बंद है, देख लीजिए कोई नॉइस वगैरह नहीं है। देखिए कोई नॉइस वगैरह नहीं है, गाड़ी देखिए न्यूट्रल में है। ये देखिए गाड़ी इंजन स्टार्ट नहीं है। अभी मैं गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ। ये कॉपीराइट म्यूजिक है। ये देखिए इस मॉडल से बजा रहा हूं मैं। आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं। दोस्तों अपने को 5 मिनट काटने हैं तो कुछ हम बातें भी कर लेते हैं साथ ही साथ। जैसा कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कोल्ड ग्लव बॉक्स है और इसका इसमें कोई किसी भी तरह की एयर या ब्लोअर की थ्रो नहीं आती है। तो मैंने ये डीलर से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि आफ्टर मार्केट अपना जो डक्ट है उसको कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, लेकिन उससे क्या होगा, ये जो फाइनल फिटिंग वो करेंगे आफ्टर मार्केट वाले, वो अच्छे से फिटिंग करते हैं या नहीं करते हैं वो डिपेंड करेगा। और अगर अच्छे से नहीं की तो लॉन्ग टर्म में आपका ये पूरा लूज रहेगा और आवाज़ खड़खड़ाने की आवाज़ आती रहेगी आपको जब आप ड्राइव करेंगे या फिर अच्छे से अगर उसमें फिटिंग नहीं किया तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करिए। हो सकता है अगर आपका सर्विस वाला ही अगर आपको इसका कनेक्ट ब्लोअर को कनेक्टिविटी इसमें करके दे सकता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं रहेगा। तो दोस्तों 7:41 हो चुका है, गाना बज रहा है, अभी दूसरा गाना एंजॉय। हाँ तो मैं कहा था तो ग्लव बॉक्स में अगर आपका सर्विस वाला ही अगर आपको गारंटी लेकर के अंदर
अगर आपकी कनेक्टिविटी करके देता है ब्लोअर की, तो दैट विल बी वेरी फाइन, और वो आप कर सकते हैं जिससे आपका ये कोल्ड ग्लव बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, होल भी दिया हुआ है अंदर, इसके अंदर होल भी दिया हुआ है, खाली अंदर ब्लोअर की कनेक्टिविटी जो डक्ट होती है उसको खाली इससे जोड़ना है, जो कि ज़्यादा बल्कि काम नहीं होगा। बस ये है कि ये फिट फिनिश, अभी ये पैनल निकालना रिकमेंड नहीं करते। ये जब मैंने सीट कवर और नीचे की मैटिंग लगवाई थी, तब मैंने देखा था कि मारुति में जितना इजी होता है इसके जो पुश बटन्स वगैरह निकालना, इस गाड़ी में उतना इजी नहीं होता है, क्योंकि नई गाड़ी है और लोगों को उतना आइडिया भी नहीं रहता, जो टेक्नीशियन वगैरह रहते हैं, कि कैसे क्या निकालना है। तो मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए, अगर आपका कोई गारंटी लेके काम करवा रहा हो तो तुम आपको कर आप वो कर सकते हैं। दूसरा गाना बजाते हैं। दोस्तों टाइम देखिए 7:42, मतलब हम 3 मिनट तो पहुंच चुके हैं। मैं आपको पूरा 5 मिनट चला के दिखाऊंगा, पूरा 5 मिनट, और ये 5 मिनट क्या 20-30 मिनट भी आप चला सकते हैं गाने। आप अगर ज्यादा देर तक चलाएंगे तो आपकी बैटरी पे लोड पड़ेगा, नॉर्मली जैसा भी हो सकता है, तो वो आपके बैटरी पे डिपेंड रहेगा कितनी बैटरी आपकी है और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप इसमें गाने कितने देर तक सुन सकते हैं। आधे आधे घंटे तक भी सुनेंगे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे पास क्या क्या गिफ्ट में दिया था रेनॉल्ट वालों ने, उसका भी एक मैं छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग भी वो डिमांड कर सकते हैं अपने डीलर के साथ। म्यूजिक एंजॉय करिए दोस्तों। 7:43 टाइम, 7:43, 7:44, 7:45 तक ये वीडियो चलाऊंगा मैं। सबसे जरूरी चीज है रिमूव की गार्ड, जब ये आपके में आ जाएगा तो आप इससे सुन सकते हैं, आपका स्क्रीन बंद नहीं होगा, कितनी देर भी चला सकते हैं आप गाड़ी को, गाड़ी में आप गाना कितनी देर भी चला सकते हैं विदाउट इग्निशन ऑन। इंजन बंद है देख लीजिए गाड़ी का, और टाइम देख लीजिए विथ प्रूफ। मैंने सोचा कि आपको प्रूफ दूंगा, पूरे वीडियो लगातार बनाऊंगा और आप अपनी गाड़ी में ट्राई करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो। प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में हिट करिए, ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिले। मैं अभी बहुत जल्दी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ में बहुत अच्छा कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूं, जो जिसमें एक भी पॉइंट मैं मिस नहीं करूंगा, फुल वीडियो होगा, लंबा वीडियो होगा, लेकिन डाउट 1% नहीं छोड़ूंगा, चाहे टेक्निकल हो चाहे किसी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कोई किसी भी तरह के पॉइंट नहीं छोड़ूंगा उसमें, उस वीडियो में। दोस्तों 7:45 तो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, हमने लगभग 6 मिनट इस वीडियो को चलाया है, और ये प्रूफ करके दिखाया है कि किसी भी तरह ये स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही है, आप कितनी देर भी गाना सुन सकते हैं अपनी गाड़ी में विदाउट इग्निशन ऑन। थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल का सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह सपोर्ट अपना चालू रखिए और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू।